हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर टू कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग चैप्टर थ्री पढ़ेंगे। चैप्टर थ्री हमारा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेंट लेटर्स। ये चैप्टर थर्ड है हमारा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेंट्स। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेंट्स, है ना। क्वाड्रेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहला पार्ट हमारा है क्वाड्रेंट्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में पॉलीगॉन। क्या है पॉलीगॉन? तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका क्या, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या होता है? सबसे पहले याद रखिएगा, कभी अगर हमको पॉलीगॉन की बात करता है तो पॉलीगॉन क्या होता है कि एक सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, जो किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है। किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी कि ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीगॉन कहलाता है। तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट। तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है, वही हमारा पॉलीगॉन कहलाता है। एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, पॉलीगॉन हो गया। क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ये क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट मतलब होता है रेखाखंड, है ना। जैसे अगर यहाँ पे ये है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट होगा। तो ये छोटे छोटे लाइन हैं, ये सारी लाइन से काट के, लाइन को काट कर क्या है, एक पॉलीगॉन बनाया गया है इसको। ये क्या है हमारा, एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट से बना है, इसलिए पॉलीगॉन है। ये है हमारा, ये क्या है, ट्रायंगल है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी क्या है हमारा, पॉलीगॉन है। ये हमारा है पेंटागॉन, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलीगॉन है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए, जैसे अभी मैंने एक चीज और यूज किया इसमें, क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और लाइन सेगमेंट भी है। मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि आपने बोला कि जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है वही क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व से मतलब पॉलीगॉन को आपने कहा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। किसी ने आपको ये दे दिया, आप बताइए, अब उसने ये कह दिया क्या ये पॉलीगॉन है, जी नहीं, ये क्लोज्ड कर्व तो है, ये क्या है, ये आपका क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, है ना। और हम लोगों ने डिफाइन पढ़ी है कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी जो लाइन सेगमेंट से बनेगा वही पॉलीगॉन होगा, ठीक है। क्लोज्ड कर्व तो होना चाहिए लेकिन लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तभी पॉलीगॉन होगा। तो ये क्लोज्ड तो है, क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हमारा सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। टाइप्स ऑफ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। फर्स्ट आपका है कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। फिर आपका सेकेंड आता है कॉनवेक्स पॉलीगॉन। फिर आपका
का थर्ड आता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन। फिर आपका फोर्थ पार्ट आता है इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये आपका क्या है फोर्थ पार्ट। कैसे जानेंगे ये हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है? कैसे जानेंगे ये हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है? तो जो हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन होता है ना, ये जो हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन होता है, इसका एक एंगल, कोई एक एंगल, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगॉन का कोई एक एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका कोई एक पॉलीगॉन, मतलब कॉनकेव पॉलीगॉन का कोई एक एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोई भी एक एंगल, जरूरी नहीं कि कोई भी एक एंगल इसका 180 डिग्री होगा। कॉनकेव पॉलीगॉन का कोई एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है कि सारे एंगल, जितने भी एंगल होंगे ना, सारे एंगल आपके 180 डिग्री से क्या होंगे, कम के होंगे। इसमें सारे साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स होंगी, उसके जितने भी एंगल होंगे वो 180 डिग्री से कम के होंगे, बड़े नहीं होंगे। अब देखिए रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे, तो रेगुलर पॉलीगॉन में आपका आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसकी सारी साइडें भी इक्वल होंगी और इसके सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि इसकी सारी साइडें भी इक्वल होती हैं, और ये लिख सकते हो तुम कि इसका एक एंगल 180 डिग्री होता है, इसके सभी एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, 180 डिग्री कभी नहीं होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री से कम होते हैं। और इसकी बात करें तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन रेगुलर पॉलीगॉन। और इरेगुलर की बात करें तो इरेगुलर में क्या होता है, ट्रेपेजियम को ले लो, ठीक है, इरेगुलर में ट्रेपेजियम ले लीजिए, इसकी साइड्स और एंगल्स इसके क्या होते हैं, कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, इसकी ऑल साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते। ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज का थर्ड टॉपिक है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ हम लोग हेडिंग डालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब हम क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हम लोगों ने ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अब हम आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ए बी सी डी जो ट्रायंगल होता है, उसके हम लोग देखते थे कि आर एंगल समान 180 डिग्री। उसी तरह से जो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें आर एंगल समान 360 डिग्री, मींस एंगल ए यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट में यूज होने वाले कुछ रूल्स थे 1-3 में, जो ये
तीनों टॉपिक आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में मिलेगा। अब हम लोग कल एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।